मुझे लगता है कि आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर्स के ही मेन किरदार होता है और टीम का जो कम्बिनेशन बनता है वो ऑलराउंडर की वजह से बनता है। प्रेशर तो हर चीज़ पे होता है, आप एज ए बॉलर भी खेल रहे हो या एज ए बैट्समैन या ऑलराउंडर खेल रहे हो, लेकिन एज ए ऑलराउंडर आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में फेल हो रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें और होती हैं जिसमें आप सक्सीड हो सकते हैं और टीम को हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेशर तो हर चीज़ में है, आप जब ग्राउंड में जाते हो तो एक प्रेशर तो आप पे होता ही होता है। आप हमेशा परफॉर्म करते हैं और टीम को फ्रंट से लीड करते हैं, लेकिन थोड़ा किसी गैप आया परफॉर्मेंस पे, कुछ तंगी भी हुई इस इवेंट में, क्या गोल है और क्या फील्स क्या है? अलहमदुल्ला फीलिंग तो बहुत अच्छी है, जो तनकीद थी बिल्कुल वैलिड थी, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो वो तनकीद तो होगी और उसको ऑन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में या इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग में अगर आप गलतियां कर रहे हैं, गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें माइंड में है, लेकिन वो हिस्ट्री हो गया, पास्ट हो गया, और अलहमदुल्ला एक अच्छे माइंड सेट के साथ मैं इधर PSL के लिए आया हूँ, और होपफुली जिस तरह मैं पहले PSL में जब भी कोई मुश्किल टाइम हुआ तो PSL से मेरा काम हुआ तो पूरा मीनू के लिए इस PSL से भी वैसे ही काम हुआ। अच्छा शिवाब, बताइएगा कि मैच में चैंपियन बनने के लिए कौन सी चैंपियन तैयार करेंगे, और आपका क्या समझते हैं कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो मैच में या आपको चैंपियन बनवाने में अहम रोल अदा कर देखिए, जो चीज़ कप लास्ट कप ये से हम मिसिंग कर रहे थे, हम ग्रुप स्टेज तक काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, जो क्रूशियल मैचेस थे, प्रेशर सिचुएशन हम उस तरह हैंडल नहीं कर रहे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम हारे थे, तो चैंपियन प्लेयर्स आए, लेकिन स्टिल अभी भी चैंपियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारे पास पहले भी चैंपियन प्लेयर्स थे लेकिन हम चैंपियन टीम नहीं बन सके। चैंपियन टीम बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन के साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड आपको रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल थे हमारे जो बेस्ट 11 थी उसमें काफ़ी इंजरीज वगैरह हुई हैं जिसकी वजह से हम हमारे बेस्ट 11 नहीं खेल सकते, जिसकी वजह मुझे लगता है कि ऑफ द फील्ड हम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे, तो हम उस चीज़ पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम ऑफ द फील्ड ज़्यादा डिसिप्लिन हों और अच्छी रिकवरी करें, क्योंकि बैक टू बैक मैचेज हैं, आपके रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। शादाब भाई, शकील खट्टर पब्लिक टीवी से। अच्छा शादाब भाई, आपकी परफॉर्मेंस कुछ इतनी खास नहीं रही है, अगर हम पिछले सीजन को देखें तो क्या समझते हैं कि एक कप्तान का परफॉर्म करना खुद पूरी टीम के लिए उसका मोराल बुलंद करता है, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या क्या किया है? देखिए परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप और एशिया कप में इतनी अच्छी थी, उसके अलावा अगर आप पीछे देखें तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, लेकिन देखो वो एक हिस्ट्री हो गया, और देखिए अगर आप ज़्यादा पास के बारे में या ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं खुद पे, वो चीज़ें भूल कर और अच्छे माइंडसेट के साथ जिस तरह मैं आया हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जिस तरह मुझे पता है कि मेरे सेल्फ ठीक है, हमेशा जब भी स्ट्रगल किया तो सबसे अच्छा कम बैक हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा से कम बैक हो, और जब आप एज ए कैप्टन आप परफॉर्म करते हो तो आप अच्छे तरीके से लीड कर पाते हो, लेकिन अगर नहीं भी करते, क्योंकि ये टीम गेम है और टीम में सिर्फ एक प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ना आप जीतते हो ना आप हारते हो, एज ए टीम आप एक यूनिटी के साथ इकट्ठे परफॉर्मेंस देंगे तो मुझे लगता है कि वो टीम ज़्यादा सक्सीड होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप शायद मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन एज ए टीम जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 बार लास्ट 2 बार ही चैंपियन टीम है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तब वो चैंपियन है, और मेरे ख्याल से जो भी PSL में ऑन पेपर सारी टीमें काफ़ी अच्छी हैं, जी तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ऑन अ डे कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी खेलती है वो मैटर करता है, और हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी है, डेफिनेटली सब टीमों की तैयारी अच्छी होगी, और पहला मैच और स्पेशली अगर आप PSL देखें तो क्योंकि हमारी अपनी लीग है तो बहुत सारे लोग इस चीज लीग को फॉलो करते हैं, तो एक एंजॉयमेंट वाला भी फैक्टर है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली सारी होती है और आप एक अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सब ह्यूमन के ये नेचर होती है कि वो अपने दोस्तों से नहीं हारना चाहते, तो वो वाला भी
फैक्टर रहता है कि हमें उसके बाद हम सब लोगों ने इकट्ठा खेलना होता है, तो वो एक साल के लिए आपको एक दूसरे की बातें सुननी पड़ती है। शिदाब आपने जैसे कहा कि दोस्तों वाला फैक्टर है, वो विचार है ना कि दोस्त नहीं मिले तो अफसोस होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा अफसोस होता है। ऐसे ही है तो लाहौर मतलब कुछ मतलब परमानेंट सेंसेस में आपकी जो है जब भी होनी थी कि उन्होंने प्लानिंग जो है वो चार पाँच साल की जब वो बैट रिजल्ट दे रहे थे उन दौरान प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी इस कल के मैच के लिए क्या प्लानिंग है बेसिकली लाहौर मतलब की उस प्लानिंग को ब्रेकअप करने के लिए जो पाँच साल है या सात साल है? देखिए हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिंपल रखें और प्लानिंग जो भी एज ए बॉलर अच्छे करना एज ए बैट्समैन आपको बॉल टू बॉल चलना पड़ता है, तो सिंपल प्लानिंग ऐसी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज ए टीम तो आप जीतेंगे क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, जिस तरह की वो लास्ट कपल ईयर से क्रिकेट खेल रहे हैं वो ग्रो ही कर रहे हैं, तो एज ए टीम ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुश्किल होगा उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड भी जिस तरह हमको सपोर्ट करता है, तो एक मजे वाला मैच होगा और मजे वाला टूर्नामेंट ही होता है, आप इंजॉय करते हैं क्योंकि क्राउड जिस तरह का आता है कि टीम हम सपोर्ट करें, तो एक अच्छा मैच होगा और होपफुली रिजल्ट हमारे हाथ में है, क्योंकि मुझे लगता है जो टीम अच्छे एटीट्यूड के साथ अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगी वो टीम सक्सीड करेगी। भाई आपने दो सीनियर बात बॉलर वसीम जूनियर और हसन अली को रिलीज किया, तो शाह ब्रदर उन्होंने रिलीज किया, तो आपको लगता है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट सही साबित होंगी? और लतीफ शाह के फिटनेस के हवाले से पहला मैच को खेल देखिए डेफिनेटली वो एक सुपरस्टार थे, बड़ा मुश्किल था डिसीजन क्योंकि आपको पता है ड्राफ्ट में कैटेगरी वाइज काफी मुश्किल होता है और सेम कैटेगरी के अगर आपके पास पांच छह प्लेयर्स हो तो आपको हर डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमने लिए। दूसरा शाह ब्रदर्स वो तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह उनमें टैलेंट है, होपफुली हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी तरह आए और उनके जो बैकअप हैं उनके वो उसी तरह परफॉर्म करें। और नसीम की बात मुझे लगता है कि उसके लिए हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा क्योंकि जब इंसान इंजरी के बाद आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, शायद वो कल वाले मैच ही स्टार्ट हो जाए, शायद वो थोड़ा टाइम ले जाए, तो उसके लिए एज ए नेशन भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जिस तरह आप अभी सवाल हुआ था कि लाहौर कलंदर ने पाँच चार पाँच साल की प्लानिंग की थी, तो वो वाली प्लानिंग हमें एज ए नेशन कभी कभार करनी पड़ेगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मांगते हैं, तो उसमें कभी कभार आपको रिजल्ट मिलते हैं लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। इसी तरह इंजरी के हवाले से भी ये होता है कि प्लेयर पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो जिस तरह की पहले परफॉर्मेंस दे रहा था स्टेडियम में वैसी परफॉर्मेंस दे। मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी रिहैप कर लें, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें ट्रेनिंग कर लें, जब आप मैच में जाते हैं तो आपको स्टिल वो प्रेशर रहता है और आपको बॉडी पे यकीन आने के लिए शायद एक टूर्नामेंट चाहिए शायद एक मैच चाहिए, तो वो इंडिविजुअल होता है लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए हम सब लोगों को पेशेंस रहना पड़ेगा, लेकिन वो लक तो सुपर फिट रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो उसने छोड़ा था वो वैसी परफॉर्मेंस है। आमीन। सर आप मेरा नाम साकिर ख्वाजा है और समर टीवी से हूँ। ठीक है। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि आपको प्रैक्टिस के दौरान उबैर शाह ने बॉल भी लगाया था और मारा था और कोनी पे लगा था बॉल, उबैर ज्यादा तीखा लगता है या नसीम ज्यादा तीखा लगता है, और तीनों को इकट्ठा देख सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए हम? जी वो उबैर ने हाँ टप्पा तो मारा था, तो मुझे लगता है कि इधर लाइट भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है और थोड़ा नजर भी अच्छा था। दूसरा मुझे लगता है कि उबैर अगर मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखा है तो खेला हूँ उसको, तो उस टाइम तो उबैर ज्यादा तेज लग रहा था नसीम से। और दूसरा आपका ये सवाल था कि तीनों कटे खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सके क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो मर्जिंग कैटेगरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की ये खूबसूरती रही है कि जो भी मर्जिंग प्लेयर है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, तो हम पूरा उम्मीद है कि ये दोनों भाई और तीसरा शो मैच भी है तो जो मर्जिंग प्लेयर्स हैं होपफुली आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से खेलें।